हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एक इंडिकेटर डिस्कस करने वाला हूँ और आपने बहुत बार इसको सुना भी होगा, डॉनचेन चैनल। बहुत सिंपल इंडिकेटर है एंड दिस वाज डेवलप्ड फॉर लुकिंग एट द मोमेंटम बेस्ड ट्रेड। तो पहले समझते हैं कि मिस्टर डॉनचेन चैनल ये जो इंडिकेटर बनाया है वो है क्या। ओके, तो यहाँ पर आप स्क्रीन देखोगे तो एक निफ्टी का चार्ट है। मैं यहाँ पर एड स्टडी में जाता हूँ, यहाँ पर डॉनचेन चैनल एड करता हूँ, तो आप देखोगे तो सेकंड ऑप्शन डॉनचेन चैनल आया। ओके, अब डॉनचेन चैनल में यहाँ पर डिफॉल्ट आप देखोगे तो 20 पीरियड ही है, तो मैं यहाँ पर डिफॉल्ट ले रहा हूँ और यहाँ पर आपको दिख रहा है अपर बैंड, मिडल बैंड एंड लोअर बैंड। सो बेसिकली ये है क्या। ओके, इसको प्लॉट करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि ये है क्या। तो यहाँ पर आप देखोगे स्क्रीन पर तीन लाइन्स है यहाँ पर। ओके, सिमिलर टू द मूविंग एवरेज। ओके, तो जो ब्लू लाइन है मेरा, ओके, वो 20 डेज एवरेज लाइन है। जो मेरा अपर बैंड है, जो ग्रीन लाइन है, वो मेरा 20 डेज हाई का है, और जो मेरा लोअर बैंड है, जो रेड लाइन है, वो 20 डेज लोअर लो का है। ओके, तो ये जो प्रीवियस 20 डेज, जो प्रीवियस आप वीक ले रहे हो, तो 20 वीक्स, आर लोगे तो 20 आवर्स, तो प्रीवियस 20 बार्स का जो ये लाइन है वो ये यहां पर प्लॉट कर रहा है। ओके, तो अब जब ये देखोगे कि ये मोमेंटम जब ऊपर जा रहा है तो ये लाइन भी ऊपर जा रही है, विच मीन्स दैट प्राइजेस आर मूविंग अबाउट 20 डेज हाई। सिमिलरली इफ द डॉनचेन चैनल गोज लोअर, इट मीन्स दैट द प्राइजेस आर गोइंग बिलो द 20 डेज लो। तो यहां पर आप देखोगे तो ये प्राइस बैंड नीचे गया, ये प्राइस बैंड ऊपर जा रहा है विथ हाइज एंड लोज बोथ गोइंग अप। अब इसको ट्रेड करना बहुत सिंपल है। ओके, इंटरेस्टिंगली जब 20 डेज एवरेज के प्राइस ऊपर होता है, हम इसको बोलते हैं बुलिश शॉर्ट टर्म मोमेंटम लॉन्ग है। प्राइस जब 20 डेज हाई के ऊपर निकलता है, विच मीन्स दैट द मोमेंटम इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। अब इंटरेस्टिंगली एक सेटअप जो मैं बहुत टाइम से देखता हूं और बहुत टाइम से इसको फॉलो भी करता हूं, जब भी ये फ्लैट लाइन हो जाता है, ये फ्लैट लाइन, जितना बड़ा फ्लैट लाइन होगा 20 पीरियड का, ओके, वो एक मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट प्ले करेगा। अगर ये फ्लैट लाइन डाउनसाइड ब्रेक करता है, विच मीन दैट द शॉर्ट टर्म मोमेंटम इज टर्निंग बेरिश एंड अ मोमेंटम प्ले इज देयर। अगर ये अपर बैंड, जैसे ये यहां पर आप देखोगे तो ये लो फ्लैट लाइन पॉजिटिव साइड, विच मीन्स दैट द पॉजिटिव मोमेंटम इज बिल्डिंग अप। यहां पर आप देखोगे तो ये फ्लैट लाइन नेगेटिव साइड ब्रेक दिया एंड इट वेंट डाउन। यहां पर आप देखिए पॉजिटिव मोमेंटम आया, ये फ्लैट लाइन पॉजिटिव मोमेंटम। अब ये वीकली पे बहुत इंटरेस्टिंगली काम करता है, ये स्ट्रेटेजी जो वीकली पे है। यहां पर आप देखिए फ्लैट लाइन नेगेटिव साइड दिया और प्राइस बैंड इनटू कंसोलिडेशन। यहां पर अपर बैंड पे क्लोजिंग दिया एंड इट वेंट हायर एंड हायर एंड हायर। तो ये एक 20 बैंड फ्लैट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। अब मैं आपको एक इसके बेस पे एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूं जो आपको लॉन्ग ओनली में प्ले करने में बहुत अच्छा पड़ेगा, एंड हाउ यू शुड सिलेक्ट द स्टॉक, हाउ यू शुड सिलेक्ट द सेक्टर। मैं इसका बैक टेस्टिंग परफॉर्मेंस के साथ आपको दिखाने वाला हूं कि आपको कौन से स्टॉक इसके बेसिस पे सिलेक्ट करने चाहिए, व्हाट आर द स्टॉक्स यू शुड अवॉइड बेस्ड ऑन द स्ट्रैटेजी जो मैं डिस्कस करने वाला हूं। आते हैं, समझते हैं कि सेटअप है क्या। तो पहले मैं ये 20 डेज का जो डॉनचेन चैनल है, मैं वो डेली पे ले रहा हूँ, या आप वीकली पे भी ले सकते हो। एंड एडिशनली आई एम एडिंग RSI टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द मोमेंटम। तो मैं RSI यहाँ पर ले रहा हूँ 14 पीरियड डिफॉल्ट। अब मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, जब RSI मेरा अपर बैंड लाइन जो है वो 60 ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, जस्ट टू कीप अ वॉच। यहां पर आप देखोगे तो मैं जब RSI 60 के ऊपर होगा, प्राइस अबाउ द ब्लू लाइन विच इज द मूविंग एवरेज, द एवरेज लाइन ऑफ 20 पीरियड, उसके ऊपर होगा, मैं लॉन्ग करूंगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ लोअर बैंड ऑफ द डॉनचेन चैनल। अब एक सर्टन पॉइंट लोअर बैंड ऑफ द डॉनचेन चैनल ऊपर जाता होगा। ओके, ये वीकली में बहुत अच्छा काम करता है लॉन्ग ओनली के लिए। एंड इंटरेस्टिंगली आप उसको डेली में भी देख सकते हो, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कोई यहां पर, बट मैं मेरे यहाँ से हिसाब से ये वीकली में बहुत अच्छा काम करता है। डेली में क्या होता है ना, बहुत बार ऐसा स्टॉक हिकअप देता है, जैसे इस केस में देखिए यहाँ पर इंडेक्स ने हिकअप दिया, वेंट बैक अगेन। ओके, ये आपको एंट्री एंड एग्जिट बहुत अच्छे से देगा, बट बहुत अच्छा डेली वीकली आप दोनों पे ट्रेड कर सकते हो। आरली में मैं शॉर्ट टर्म में मैंने बैक टेस्टिंग नहीं किया, आई वोंट बी कमेंट ऑन दैट, बट डेली एंड वीकली में बहुत अच्छा काम करता है। अब मैं आता हूँ स्ट्रैटेजी बैक टेस्टिंग पे। अगर आप डिफाइनेंस के यूजर हो, ओके, आप इसमें लॉग इन कीजिए, आप यहाँ पर अकाउंट में जाने के बाद आप यहाँ पर RZone देख रहे हो, तो RZone पे जैसे क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन होगा। ये विंडो ओपन होगा तो आपको क्या करना है, प्राइस
स्कैनर में जाना है या बैक टेस्टिंग, मैंने ये बैक टेस्टिंग में बना के रखा है, तो बैक टेस्टिंग में जाता हूँ। मैं यहाँ पर लॉन्ग ओनली ले रहा हूँ और मैं ग्रुप ले रहा हूँ निफ्टी 50। तो मैं ये देख रहा हूँ कि निफ्टी 50 में जो सारे स्टॉक है इसका परफॉर्मेंस कैसा है। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ बिकॉज हमारा बैक टेस्टिंग 25 इयर्स का बैक टेस्टिंग देता है, तो आई एम जस्ट टेकिंग फ्रॉम राइट फ्रॉम 1 अप्रैल 2000 टू 7 मार्च 2024। ओके, बीइंग लॉन्ग ओनली। ओके, मैंने ये स्कैनर यहाँ पर बना के रखा है अपने लिए। ओके, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ डॉनचेन प्लस RSI लॉन्ग एंट्री और डॉनचेन का एग्जिट, जो मैंने बोला कि लोअर बैंड पे जैसे ही टेस्ट होगा लो मेरा, आई विल एग्जिट, आई विल नॉट वेट फॉर क्लोज, राइट। अब मैं यहाँ पर स्कैन पे क्लिक करूंगा। अब आपके सामने यहाँ पे निफ्टी 50 का पूरा परफॉर्मेंस आ गया। अब मैं इसको टोटल रिटर्न के हिसाब से शॉर्टलिस्ट करूंगा। आप देखिए, अदानी लीड्स द टेबल, बजाज फाइनेंस इज द सेकेंड, आइशर मोटर द थर्ड, टाइटन फोर्थ। अब मैंने इसको डेली पे रन किया है, तो डेली पे आप देखोगे तो मेरा एवरेज रिटर्न पर ट्रेड ऑन अदानी इज 20%, बजाज फाइनेंस पे अराउंड 13%, आइशर मोटर पे अराउंड 9.6%, टाइटन इज अराउंड 8.6%, L&T अराउंड 8%, टाटा स्टील अराउंड 8%। अब मैं इसको सेम को वीकली में स्कैन करता हूँ। अब वीकली में देखोगे तो आप अदानी का थोड़े से नंबर चेंज हो गए, 6000% आ गया, बिकॉज वीकली में आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप हो जाता है। अगेन बजाज फाइनेंस, आइशर मोटर, टाइटन, L&T एंड अदानी अगेन लीड्स द टेबल ओवर हियर ऑन डेली एंड वीकली। तो आप इसको डेली एंड वीकली दोनों पे स्कैन कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है हाउ टू सिलेक्ट द स्टॉक, इसको आप सेक्टोरल परफॉर्मेंस पे भी डाल सकते हो। अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ NSE के सारे जो ऑल सेक्टर्स है हमारे पास, उस पर ये चीज स्कैन कर रहा हूँ। अगेन दिस इज ऑन वीकली आई एम स्कैनिंग, एंड अगेन IT लीड्स द टेबल विद टोटल रिटर्न्स ऑफ अराउंड 1000%, एनर्जी 279%, बैंक्स 273%। अब मैं इसको, जैसे आपने देखा कि IT में यहाँ पर 13 ट्रेड्स आए मेरे को इंडेक्स में, अब मुझे देखना है कि IT इंडेक्स में कौन से सारे स्टॉक्स है जिसने ये स्ट्रेटेजी में अच्छा सा रिटर्न दिया है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, IT इंडेक्स ले रहा हूँ एंड अगेन स्कैन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मेरा एम्फोसिस लीडिंग द टेबल विद अराउंड 3900%, 2600 SCLTech। अब जैसे हमने देखा कि वीकली में IT आउट परफॉर्म कर रहा है, अगर डेली के सारे स्टॉक्स IT के ही स्टॉक्स को मैं स्कैन करना चाहता हूँ तो ये क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, तो लेट्स लुक एट इट। तो अगर मैं इसको अगेन एम्फोसिस परसिस्टेंट एंड TechM लीड्स द टेबल विद अराउंड 2800, 2500, 1800 एंड 1580 टेबल। तो यहाँ पर आप ये सारे स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हैं, आप निफ्टी 500 के स्टॉक्स को भी स्कैन कर सकते हो और परफॉर्मेंस देख सकते हो कि कौन से स्टॉक्स में ये परफॉर्म कर रहा है, कौन से स्टॉक्स में ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। इनफैक्ट जो स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहा है आप उसको इग्नोर कर सकते हो। लुक एट द टॉप 10, टॉप 15 और टॉप 20 स्टॉक्स जहाँ पर ये परफॉर्म कर रहा है, एंड लुक एट द ईच ऑफ एंड एवरी स्टॉक्स जहाँ पर इसने अच्छे से रिटर्न दिया है। तो अगर मैं यहाँ पर, जैसे आप लोग मिड कैप अभी देख रहे हैं कि मिड कैप स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, तो अगर मैं मिड कैप इंडेक्स के सारे स्टॉक्स यहाँ पर स्कैन करना चाहूँ तो मिड कैप 50 ले रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं 150 रन करूंगा तो स्कैन को थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखोगे तो ये निफ्टी सॉरी मिड कैप 50 के सारे स्टॉक्स है। अगर मैं इसको परसेंटेज शॉर्ट में करता हूँ तो एस्ट्रल, MRF, सेल, वोल्टास, OFSS, ऑरोफार्मा, दिस लीड्स द टेबल। जो स्टॉक्स है जो परफॉर्म नहीं कर रहे, आइडिया, ओबेरॉय, MFSL, AB Capital, Zeal, IndusInd, तो ये सारे स्टॉक्स पे मैं ये स्ट्रेटेजी को अवॉइड कर सकता हूँ। तो यू कैन लुक एट द बैक टेस्टिंग नंबर वेयर द स्टॉक्स है, एंड बहुत सारे लोग को ये प्रॉब्लम होता है कि किसी स्ट्रेटेजी में मुझे कौन से सारे स्टॉक्स लेने चाहिए। वेल, रन अ स्ट्रेटेजी और अ नंबर ऑफ स्टॉक्स, उस पर आप देख लीजिए कि कौन से स्टॉक्स पे ये सिस्टम वर्क कर रहा है, किस पे वर्क नहीं कर रहा है, एंड इफ इट वर्क्स ट्राई टू फोकस दैट स्ट्रेटेजी और दैट स्टॉक। इससे आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, स्टॉक सिलेक्शन कर पाओगे। इनफैक्ट एनीथिंग यू लुक एट द मोमेंटम ओवर ईयर, आप किसी को भी कोई भी सेक्टर आपको करना है, जैसे मैं इंडिया डिफेंस इंडेक्स है, अगर आप उस पर ये सिस्टम स्कैन करना चाहते हो डेली वीकली, एंड इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पर स्कैन कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर देखिए सोलार इंडस्ट्रीज, BEL, एस्ट्रा, मेजगांव डॉग, ये सारे स्टॉक्स लीड कर रहे हैं टेबल फॉर लॉन्ग ओनली। अगर मैं इसको सेम वीकली में, बिकॉज डिफेंस इज द वन स्पेस which has been very very bullish for quite long. तो यहाँ पर आप एवरेज रिटर्न देखते हैं, हम लोग BEL leads the table, Solar Industries leads the table, Zentech leads the table,
मजगांव, एचएएल, यहाँ पर आप देखोगे तो मोमेंटम स्ट्रांग है, आप डिफेंस प्ले कर सकते हो। इनफैक्ट आप इसको ETF में भी कर सकते हो ये सिस्टम को रन, तो आपको आइडिया आएगा कौन सा ETF आपको कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एंड यू कैन लुक एट इट। अगर मैं ये चीज सेम निफ्टी 50 पे भी रीड बैक टेस्टिंग करता हूँ, तो लेट्स लुक एट द नंबर्स और हाउ हैज निफ्टी 50 परफॉर्म्ड। अगेन दिस इज आई एम टेकिंग ऑन अ वीकली स्केल, 19 ट्रेड विद अराउंड 750%। अगर मैं इस पे डेली देख रहा हूँ तो यस यू कैन लुक एट डेली एज वेल विद 86 ट्रेड 991% और 1000% रिटर्न आपको मिल रहा है नियरली ऑन 86 ट्रेड्स विद 3.3% एवरेज रिटर्न। तो यस एक्सपेक्टेंसी इज ऑल्सो नियरली 1, सो विच इज ऑल्सो गुड। रिस्क रिवॉर्ड इज 2.57 विच इज ऑल्सो गुड। एवरेज ट्रेड 3% ऑन फॉर अ डेली चार्ट इज अमेजिंग। अगर आप इसको चाहते हो कि मैं आर्ली चार्ट पे ट्रेड करता हूँ, वी कैन लुक एट आर्ली बिकॉज आर्ली हम लोग रन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि लास्ट एक साल का मैं डेटा देख रहा हूँ। एंड वी हैव समवेयर 27 ट्रेड विद 18% रिटर्न विद अराउंड 0.65, सो नॉट दैट ग्रेट आई वुड से। आर्ली में ये सिस्टम खास निफ्टी पे वर्क नहीं कर रहा है, तो आई वुड सजेस्ट इग्नोरिंग आर्ली चार्ट। Probably we can look at weekly 15 minute scale as well on the same 19% return of 93. So agar main yahan par trade dekhu, so if I just look at the first trade was on 3rd April 2023. So ek saal ka data hai mere paas, 20% in a year considering 93 trades is somewhat, I guess charges wagere brokerage wagere mein shayad ye numbers bahut deteriorate ho jaye. So I would not suggest this on a 15 minutes or probably hourly में हमने देखा it doesn't work, but जैसे हमने देखा कि अगर हम लोग इसको same weekly scale में करते हैं how does it perform? So let's look at only probably I would have to go for 25 years of data. So मैं यहाँ पर 25 19 trade with 743% इसे average return is 14%. So you can keep जो nearly Nifty अगर मैं देखूँगा तो 7x हो चुका है 743% which means. So yes you can keep such kind of systems. Basically I think ye stocks pe zyada perform karega rather than looking at the index over here onto the Donchian plus RSI. So again I'm repeating the system, Donchian channel middle ke upar jab average ke upar jab close dega, we will get go long with a stop loss of lower band and RSI should be above 60 while entering. So stop loss aapka jaise maine bataya lower band of the Donchian channel hai, to 20 period aapka jo low hai daily or weekly whatever suits you, you can look at. Signing off, Brijesh Bhatia.